के लोगों को और प्रत्येक देशवासी को हृदयपूर्वक बहुत 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 बधाई देता हूं। साथियों, समाज जीवन में कुछ बातें समय के साथ इतनी घुलमिल जाती हैं कि कई बार उन चीजों का एक प्रकार से मन में स्थायी भाव बन जाता है, स्थायी मान लिया जाता है। ये भाव आ जाता है कि कुछ बदलेगा ही नहीं, बस ऐसे ही चलेगा। आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहनों की, हमारे बच्चों की जो हानि हो रही थी उसकी चर्चा ही नहीं होती थी। हैरानी की बात यह है कि आप किसी से भी बात करें तो कोई ये भी नहीं बता पाता था कि अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाभ हुआ। भाई और बहनों, आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। इन दोनों अनुच्छेद का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इसकी वजह से पिछले 3 दशक में लगभग 42,000 निर्दोष लोग, 42,000, ये आंकड़ा किसी की भी आंख में से आंसू ला देता है। 42,000 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विकास उस गति से नहीं हो पाया जिसका वो हकदार था। अब व्यवस्था की ये कमी दूर होने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का वर्तमान तो सुधरेगा ही, उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। साथियों, हमारे देश में कोई भी सरकार हो, वो संसद में कानून बनाकर देश की भलाई के लिए